हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे घर्षण के नियम। ठीक है, घर्षण के नियम विलाज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, ध्यान से सुनिएगा। घर्षण के नियम जो है दो होते हैं, एक सीमांत घर्षण का नियम होता है, एक गति घर्षण का नियम होता है। और ये जो नियम बताए गए हैं, ये दोनों नियम आपको याद करने होंगे। तो चार चार पॉइंट्स दिए गए हैं और तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। सीमांत घर्षण के नियम, पहला है सीमांत घर्षण के नियम, दूसरा है गति घर्षण के नियम। तो सीमांत घर्षण के नियम के बारे में बात करते हैं। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। वैसे एक बात और बता रहे हैं हम कि सीमांत घर्षण की बात जो है पिछली वीडियो में हमने कर दी है और पूरा देखना है तो आप पिछली वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सीमांत घर्षण के नियम के बाद चलिए अच्छा सीमांत घर्षण बता ही देते हैं कि जो दो सतहों के बीच जब स्थैतिक घर्षण का मान जो है अधिक हो जाता है। ठीक है, दो सतहों के बीच वस्तु का जब स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम हो जाता है तो उस अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को हम सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, समझ गए ना। और कायदे से समझना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने सीमांत घर्षण के बारे में बता दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सीमांत घर्षण के नियम के बारे में। पहला पॉइंट है कि स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान स्थैतिक घर्षण को हम FS से डिनोट करते हैं और मैक्स का मतलब मैक्सिमम, अधिकतम। ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान FS मैक्स अर्थात सीमांत घर्षण बल इनकी संपर्क सतहों के बीच अभिलंब प्रतिक्रिया R के समानुपाती होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया R के समानुपाती होता है। FL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। FL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के, समझ गए ना। या फिर हम OR OR करके लिख सकते हैं, FS max इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। क्या आप पूछो क्यों, ये FL क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, सीमांत घर्षण जो कि प्रतिक्रिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है। उसी तरह है स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान भी जो है प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती है। पूछो क्यों, क्योंकि जब दो सतहों के बीच स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान ही सीमांत घर्षण कहलाता है। ठीक है, तो FL इज इक्वल टू FS max। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। इसलिए या फिर हम कह सकते हैं, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हम यहाँ पर म्यू एस लिख देते हैं। ठीक है, तो FL बराबर FS max बराबर म्यू एस आर के, FL बराबर FS max बराबर म्यू एस आर के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा, अनुक्रमानुपाती नियतांक यहाँ हमने लगा दिया म्यू एस। ठीक है, और R R है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा। ठीक है, और यहाँ पे इसके स्थान पर क्या आ गया, म्यू एस कॉन्स्टेंट आ गया। और इस नीचे देखिए ये फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है, FL इज इक्वल टू FS max इज इक्वल टू म्यू एस आर, न्यूमेरिकल में यूज होगा, याद रखना। जहाँ पर क्या म्यू एस क्या है, समानुपाती नियतांक है, अभी हमने बताया। ठीक है, म्यू एस को संपर्क सतहों के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, म्यू एस को संपर्क सतहों के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम में तो पूछा जाता है, इसमें कंपटीशन में भी कभी कभी आ जाता है ये। ठीक है, थ्योरी से रिलेटेड, घर्षण के नियम से रिलेटेड
जो पॉइंट्स हमने इसमें बताए हैं वो तैयार कर लेना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज आपके लिए इंटर में भी इम्पॉर्टेंट है और आगे आप कंपटीशन में बैठेंगे तो कंपटीशन में भी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंस पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये नियम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सीमांत घर्षण बल प्रत्येक वस्तु पर, क्या, प्रत्येक वस्तु पर संपर्क सतह के समांतर उस दिशा में कार्यरत होता है जिससे यह उनके फिसलने का विरोध कर सके, जिससे यह उनके फिसलने का विरोध कर सके, समझ गए ना, क्या, फिर से समझिए। सीमांत घर्षण बल जो होता है प्रत्येक वस्तु पर, ठीक है, क्या, संपर्क सतह के समांतर, क्या, समांतर पैरेलल किसके, संपर्क सतह के, संपर्क सतह के जिसके संपर्क में है वस्तु, ठीक है, संपर्क सतह के समांतर उस दिशा में कार्यरत होता है, ठीक है, उस दिशा में कार्यरत होता है जिससे यह उनके फिसलने का क्या करता है, विरोध कर सके, ठीक है। तीसरा पॉइंट, सीमांत घर्षण बल का मान जो है वो सतहों के आकार अथवा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ये बताया गया है कि निर्भर नहीं करता है, तो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप में ऑब्जेक्टिव बना के इसको पूछ सकते हैं कि सीमांत घर्षण बल का मान किस पर निर्भर करता है, ठीक है, तो उसमें दे दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं वो सही होगा। लेकिन ये जो है, क्या, आकार क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि किस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सीमांत घर्षण बल का मान जो होता है वो सतहों के आकार अथवा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट, सीमांत घर्षण बल का मान जो होता है वो सतहों की प्रकृति, उनके खुरदरेपन अथवा चिकनेपन तथा पदार्थों पर निर्भर करता है। मैंने क्या बताया अभी, निर्भर करता है किस पर, ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, और निर्भर नहीं करता है ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। सीमांत घर्षण बल का मान जो होता है वो सतहों की प्रकृति, खुरदरेपन अथवा चिकनेपन तथा पदार्थों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नीचे गति घर्षण के नियम की, क्या, दूसरा मैंने क्या बताया था कि दो नियम होते हैं घर्षण के, एक तो सीमांत घर्षण का नियम और दूसरा गति घर्षण का नियम। तो सीमांत घर्षण का नियम हो गया, अब गति घर्षण के नियम की बात करते हैं। गति घर्षण बल जो होता है एफ के का मान जो होता है वो संपर्क सतहों के बीच अभिलंब प्रतिक्रिया आर के समानुपाती होता है, ठीक है, क्या होता है, समानुपाती होता है। एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के, ठीक है, या फिर एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर, क्या, एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा और एक कांस्टेंट आ गया जो कि म्यू के से हमने डिनोट किया, ठीक है, तो म्यू के आर हो गया, ठीक है, बराबर लग गया, ठीक है। तो ये फार्मूला एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर, ये गति घर्षण और ये गति घर्षण गुणांक के बीच क्या है, रिलेशन का फार्मूला है, ठीक है, संबंध का फार्मूला है, ठीक है। तो जहाँ पर म्यू के क्या है, समानुपाती नियतांक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ध्यान देना कि ये जो फार्मूला है ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, ठीक है, क्या, न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो म्यूके क्या है, समानुपाती नियतांक है, इसको म्यूके को हम गति घर्षण गुणांक भी कहते हैं, ठीक है। म्यूके को संपर्क सतहों के बीच गति घर्षण गुणांक भी कहते हैं। दो सतहों के बीच जो है एफ के इज लेस देन एफ एल, मतलब गति घर्षण का मान जो होता है वो सीमांत घर्षण है क्या होता है, कम होता है, अतः म्यूके इज लेस देन म्यूएस, क्या, म्यूके क्या है, गति घर्षण गुणांक है, और म्यूएस क्या है, सीमांत घर्षण गुणांक, ठीक है, तो म्यूके इज लेस देन म्यूएस के। दूसरा पॉइंट क्या है कि गति घर्षण बल का जो मान होता है वो सतहों के आकार क्षेत्रफल, ये दोनों आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, इसका मान जो होता है वो सतहों की प्रकृति, पदार्थों तथा खुरदरेपन पर निर्भर करता है। और क्या, किस पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान देना, गति घर्षण बल का मान सतहों के सापेक्ष वेग पर निर्भर नहीं करता, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गति घर्षण बल का मान जो है वो
सतहों के सापेक्ष वेग पर निर्भर नहीं करता है। चौथा पॉइंट, सीमंत घर्षण बल के समान ही गति घर्षण बल की दिशा जो होती है वो संपर्क सतहों के समांतर तथा सापेक्ष वेग के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, किसके सापेक्ष वेग के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, आई होप कि दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे और आप इन नियमों को तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये इंटर में पूछा भी जाता है और इंटर के साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव टाइप में बनाए जाते हैं और इनका कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप सारे नियम याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भविष्य के लिए। ठीक है, एक चीज़ और मैं और आपके बता दे रहा हूँ कि घर्षण के जो है कम करने के भी कुछ उदाहरण है और घर्षण को बढ़ाने के भी उदाहरण है। घर्षण को कम कैसे किया जाए, घर्षण को बढ़ाया कैसे जाए, ये भी नियम है कुछ। ठीक है, तो वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, उसमें हम आपको रोलिंग फ्रिक्शन भी बताएंगे। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, वो स्थैतिक घर्षण और गति घर्षण से क्या होता है, कैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे और अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप लाइक करिए वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे और आप देख सकें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।